घर में रोग बढ़ने पर करना क्या चाहिए, तो शुमहापुराण की कथा कहती है पार्वती जी की जो नानी जी है, क्या नाम है जरा जम के बोले, स्वधा। जो पितृलोक में रहे और पितरों के साथ में रहने के बाद एक बार इनके मन में यह भाव प्रकट हो गया था कि मैं पितृलोक में तो रह रही हूँ, आपके साथ में रह रही हूँ, पर मेरा मन शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता है। तो स्वधा भगवान शिव की आराधना करने जब जाती थी तो पितर उनकी आराधना के लिए संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर देते और संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर स्वधा को दे देते और स्वधा जाकर पितृलोक से जाकर भगवान शिव की आराधना। पहले की अगर आपने कथा सुन रखी होगी टीवी के माध्यम से, आस्था के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कहा था शंकर भगवान को जल चढ़ाने से तीन दोष समाप्त हो जाते हैं, पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा वास्तु दोष। भगवान शंकर को जल चढ़ाने से तीन दोष मिट गए। पहला है पितृ दोष, जब हमारे घर के मटके में से, हंडे में से, घर में जो पानी का स्थान होता है वहां से लोटा भरकर पानी भरते हैं, लेकर जाते हैं, तो परिंडा, मटका, हंडा, बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है रसोई घर में, वो स्थान पितरों का स्थान कहलाता है। उस पितरों के स्थान में से जब पानी भर कर लेकर जाते हैं तो रसोई घर में से लेकर जब घर में से निकल कर जाते हैं तो पूरे घर का वास्तु दोष और उस परिंडे में से, मटके में से पानी भरा तो पितृ दोष। और ध्यान देना, इसको ले जाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो पितरों का दोष, वास्तु दोष और कालसर्प दोष, ये तीनों अपने आप समाप्त हो जाते हैं मात्र शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देने। केवल एक लोटा जल चढ़ा देना,